नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय पर कांग्रेस का रहा गढ़। 2014 में नितिन गडकरी के भेदे किले को कायम रख पाएगी बीजेपी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय के अलावा महाराष्ट्र का नागपुर संतरों के लिए देश विदेश में अलग ही पहचान रखता है। अब इसे गडकरी का घर भी माना जाने लगा है। पिछले 10 साल में गडकरी ने गली मोहल्ले छान मारे और शायद ही ऐसा कोई इलाका बचा हो जहां उन्होंने काम ना किया हो। हालांकि इस बार गडकरी को चुनौती देने वाले विकास ठाकरे को बिना मांगे ही प्रकाश आम्बेडकर की वंचित बहुजन विकास आघाड़ी ने समर्थन दे दिया और MIM ने भी उम्मीदवार नहीं उतारा। गडकरी के लिए व्यू रचना ठीक नहीं माना जा रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार ठाकरे को वंचित के समर्थन देने के पीछे कौन सी शक्तियां खड़ी हैं? MIM के उम्मीदवार न उतारने का कारण क्या है, जबकि बीजेपी के विरोधी आरोप लगाते हैं कि आम्बेडकर और MIM बीजेपी की बी टीम है। ऐसे में नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ये चर्चा जोरों पर है कि क्या गडकरी को घेरने के लिए ये चक्रव्यूह रचा गया है। वंचित ने दिया कांग्रेस को समर्थन, आम्बेडकर की वंचित ने यहाँ से उम्मीदवार नहीं उतारा और ओवैसी की पार्टी MIM ने भी उम्मीदवार नहीं दिया है, जबकि कांग्रेस ने आम्बेडकर से समर्थन नहीं मांगा था। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानने वाले कहते हैं कि किसके कहने पर वंचित ने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिया है। MMI के उम्मीदवार नहीं उतारने का कारण क्या है, इस पर शक दिल्ली की ओर जाता है। ये बात गडकरी को कछोड़ रही है तो कांग्रेस खेमा उत्साहित है मायावती की रैली के मायने। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने भी 11 अप्रैल को नागपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। कहने को तो मायावती ने बाबा साहेब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि से लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत की, जबकि बसपा का नागपुर में कोई उम्मीदवार नहीं है। देश भर में हुए हाल के कुछ चुनाव में देखा गया है कि बीजेपी के पक्ष में थोक के भाव दलित वोट पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी दलितों के एक बहुत बड़े वर्ग का झुकाव बीजेपी की तरफ देखा गया। नागपुर में 15-20% दलित वोटर हैं, जिनमें हिंदू और बौद्ध दोनों हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां दलित बौद्धों का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या दलित वोट कांग्रेस प्रकाश आम्बेडकर की वंचित और मायावती की BSP के बीच बढ़ जाएंगे। यह है सीट का इतिहास। नागपुर में 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का मुख्यालय है, फिर भी 2014 तक यहाँ कांग्रेस का वर्चस्व रहा। पहली बार 1996 में बीजेपी के बनवारी लाल पुरोहित ने चुनाव जीता, लेकिन जीत का जश्न ज्यादा दिन नहीं चला। 1998 में कांग्रेस के विलास मुत्तेमवार ने पुरोहित को हरा दिया। 2014 में गडकरी ने उपस्थिति दर्ज कराई। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस, शिवसेना और NCP के महाविकास आघाड़ी के सत्ता में आने पर स्थानीय निकाय और विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को कई झटके लगे, लेकिन बीजेपी की बूथ स्तर पर चुनावी मशीनरी बेहद सक्रिय है। गडकरी ने इन 10 साल में नागपुर को जोड़ने वाली सड़क, एक्सप्रेसवे, एम्स, IIT, IIM, महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं खोली हैं। कहते हैं कि पिछले 10 साल में गडकरी ने नागपुर के विकास के लिए सरकारी खजाने से करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस बार गडकरी के सामने कांग्रेस ने इसी क्षेत्र के विधायक विकास ठाकरे को उम्मीदवार बनाया है। विकास नागपुर के मेयर रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका में कई साल तक नेता विपक्ष में रहे हैं। शहर पर उनकी अच्छी पकड़ है और जिस कुनबी समाज से आते हैं उस समाज के वोटर्स की संख्या 6,00,000 के करीब है। विकास का चुनाव प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए, जबकि गडकरी के चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वंचित ने जब से कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है तब से गडकरी खेमा अलर्ट मोड पर है। चुनाव प्रचार में गडकरी का पूरा परिवार उतर गया। गडकरी के व्यवहारिक होने के कारण उनके चुनाव प्रचार के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। क्या है जाति समीकरण? नागपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 22,23,000 मतदाता हैं, जिसमें हिंदी भाषी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। करीब 4.5 लाख हिंदी भाषी मतदाता हैं, जिनमें करीब 3 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश बिहार के हैं। करीब 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। कुनबी, तेली, दलित के 4-4 लाख के करीब मतदाता हैं।